Hello students, today we are going to learn chapter number 7, The Will, Finding Solutions. In this chapter, we will read a story about the divisions of camels among three brothers and their mother. So let's start. How can you divide 17 camels into two equal halves? 17 कैमल्स को हम लोग दो इक्वल पार्ट में ये कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं हम लोग. रीड दिस अरेबियन फोक टेल टू फाइंड आउट वेदर दैट इज पॉसिबल. अभी ये जो है ये है एक फोक टेल, मतलब लोक कथा, अरेबियन फोक टेल है. तो ये पढ़कर हमें देखना है कि ये पॉसिबल होता है या नहीं. मेनी ईयर्स अगो इन अ स्मॉल टाउन इन इजिप्ट देयर लिव्ड अ मैन नेम अब्दुल्ला बिन साद. क्या है नाम आदमी का? अब्दुल्ला बिन साद. कहाँ पर रहते थे? एक छोटे से टाउन में. कहाँ पर था ये टाउन? इजिप्ट में. एंड मेनी ईयर्स आगो मतलब बहुत साल पहले. ओके. अब्दुल्ला वर्क विथ कैमल. वो किसके साथ डील्स करते थे? कैमल्स के साथ. अब वो क्या करते थे एग्जैक्टली देखो. ही हैड द मोस्ट पेडिग्रेड कैमल्स ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी विथ फर एज वाइट एज रैबिट्स. वॉट इज पेडिग्रेड? पेडिग्रेड मतलब एनिमल्स विथ रिकॉर्डेड एंसेस्ट्री, मतलब जो एनिमल्स रहते हैं उनके एंसेस्ट्री, मतलब उनके मम्मी पापा कौन है, उनके अदर रिलेटिव्स कौन है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड रहती है. शोइंग दे कम फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ द सेम ब्रीड और वैरायटी. हाँ, तो उसके पास जो एनिमल्स थे, वो जो कैमल्स थे, वो अच्छे ब्रीड के थे, मतलब अच्छे नस्ल वाले थे, और उनके एंसेस्ट्री मतलब उनके माता पिता, उनके रिलेटिव, ये सारी चीज़ें अब्दुल्ला को पता थी. अब्दुल्ला लव्ड हिज कैमल्स लाइक हिज ओन चिल्ड्रन. वो अपने उनकी जो कैमल्स थे उनको वो अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे. वंस अ ईयर ही वुड सेल सम ऑफ देम एट अ कैटल फेयर एंड अर्न अ गुड सम ऑफ मनी. एक साल उन्होंने क्या किया, उनके जो अच्छे एक जगह पे कैटल फेयर लगा था. कैटल मतलब क्या होता है? एनिमल्स. फेयर मतलब उनका मेला. तो उन्होंने क्या किया, उस मेले में अपने कुछ कैमल्स बेच दिए और अर्न अ गुड सम ऑफ मनी, उनको ढेर सारे पैसे मिले उसके. देन ही वुड रियर द न्यू एंड द रिमेनिंग कैमल्स एंड इनक्रीज हिज हर्ड. फिर उन्होंने क्या किया, रियर मतलब टू केयर फॉर एन एनिमल्स यंग वंस अनटिल टिल दे आर फुल्ली ग्रोन. मतलब ये कैमल्स जैसे छोटे छोटे रहते हैं ना, तो वो उनकी फुल ग्रोथ नहीं हो जाती तब तक उनको क्या करना, संभालना, ठीक है, और फिर उसे ये बेच देते थे. सो ही वुड रियर द न्यू एंड रिमेनिंग कैमल्स एंड इनक्रीज हिज हर्ड. हर्ड मतलब ग्रुप ऑफ कैमल्स. देन अब्दुल्ला हैड अ गुड ऑनेस्ट वाइफ एंड थ्री सन्स हु लिव्ड हैप्पीली विद हिम इन हिज हट. उनकी वाइफ कैसी थी? एक अच्छी औरत थी वो. ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट मतलब, और हमेशा वो सच का साथ देने वाली थी. तो उनकी एक वाइफ और तीन लड़के थे उन्हें. हु लिव्ड हैप्पीली, और ये लोग सारे खुशी से रहते थे. कहाँ रहते थे? उनके साथ, इन हीज हट, उनके एक हट में. द कैमल एनक्लोजर वॉज राइट आउटसाइड द हट. और उनके हट के बाजू में ही राइट साइड में क्या था? कैमल एनक्लोजर. एनक्लोजर मतलब क्या होता है? एक जगह रहती है ना, जिसे देखो हम लोग कंपाउंड वॉल डाल देते हैं, फेंसिंग कर देते हैं, दैट इज एनक्लोजर. वहाँ पर कौन रहते थे? कैमल्स. इट वॉज अ साइट टू सी हीज हैंडसम कैमल चिविंग दर कर्ड अंडर द लीफी डेट ट्रीज इन द एनक्लोजर. तो वहाँ पर एनक्लोजर में रहते थे कौन रहता था? कैमल्स रहते थे. और इनको देखो क्या कहा है, हैंडसम कैमल्स, क्योंकि वो अच्छे नस्ल के थे ना, इसलिए वो क्या करते थे, डेट ट्री के नीचे बैठकर चिविंग दर कर्ड. कर्ड मतलब क्या होता है? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है उसे कहते हैं कर्ड. तो ये लोग क्या कहते हैं, कैमल्स या फिर बपेलोज, जब खाना खाते हैं जैसे लिप्स खाते हैं, तो पहले जल्दी जल्दी ढेर सारा खा लेते हैं, करेक्ट, और फिर आराम से बैठकर ना वो स्टमक से पूरा फूड फिर से निकालते हैं और फिर आराम से उसको चबाते रहते हैं. देन एज टाइम पास्ड अब्दुल्ला एंड हिज वाइफ ग्रू वीक एंड वोर्न. अभी देखो ऐसे बहुत टाइम पास हो गया था, और फिर क्या हुआ, अब्दुल्ला और उसकी वाइफ क्या हो गए, वो दोनों भी अभी वीक हो गए और ओल्ड हो गए. वन नाइट ओवर डिनर अब्दुल्ला बिन साद
से टू हिज थ्री सन्स। एक दिन रात में जब वो लोग डिनर कर रहे थे तब अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने अपने बच्चों को कुछ कहा। क्या कहा, लेट्स सी। माय बॉयज, मेरे बच्चों, आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ, मैं अभी बूढ़ा हो रहा हूँ, एंड माय बॉडी इज गेटिंग वीकर, मेरी बॉडी भी ऐसे क्या हो रही है, अभी वीक हो रही है। एवरी डे आई एम सिक सो ऑफन, इसलिए मैं हमेशा बीमार रहता हूँ। आई फील माई एंड इज नियर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अंतिम समय अभी पास में ही है। वेन आई एम गॉन, लुक आफ्टर योर मदर, मेरे चले जाने के बाद क्या करना है, अपने मम्मी का ख्याल रखना है, ध्यान देना है उनका। एंड प्लीज़ डोंट फाइट अमंग योर सेल्फ, एंड प्लीज़ एक दूसरों के साथ क्या करना है आपको, फाइटिंग नहीं करनी है। I don't have much, मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है, but I have written a will, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने एक will लिख कर रखी है। will मतलब क्या होता है, किसी की मर्जी, करेक्ट। तो एक ना legal document रहता है जिसके ऊपर हम लोग अपने किसी के भी death के बाद क्या करना है, उसकी property किसको देनी है, उसका कुछ money है, property है, घर है, तो वो किसको देना है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर लिख कर रखते हैं। That is will, which you can find इन अ पॉट इन अ ग्रैनरी। तो उन्होंने बताया कि मैंने विल लिखकर रखा है और वो आपको कहाँ मिलेगा, ग्रैनरी में। व्हाट इज़ ग्रैनरी, अ बिल्डिंग यूज फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, वहाँ पर किसी पॉट में आपको वो मिल जाएगा। वन मॉर्निंग सून आफ्टर, अब्दुल्ला वॉज फाउंड लाइफलेस इन हिज बेड बाई हिज वाइफ एंड सन्स। और एक दिन सुबह क्या हुआ, उसके बाद अब्दुल्ला की वाइफ और बच्चे, इन सब लोगों ने नोटिस किया कि अब्दुल्ला वॉज डेड इन हिज बेड, कि वो अपने बेड पर ही वो उनकी डेथ हो गई है। थ्री डेज आफ्टर अब्दुल्लाज डेथ, अब्दुल्लाज की डेथ के तीन दिन बाद, ओके, हिज फैमिली थॉट ऑफ हिज विल, तीन दिन हो गए उनके डेथ के, तो उसके बाद ये जो फैमिली है इन्होंने सोचा किसके बारे में, विल के बारे में। His sons searched every pot in the granary and finally found a paper wrapped in camel skin. तो उनके जो बच्चे थे उन्होंने पूरा ग्रैनरी के सारे पॉट जो थे वहाँ पर रखे हुए जिसमें ग्रेन्स थे सारे ढूंढ कर निकाले, कहीं पर नहीं मिला। Finally found a paper, finally उन्हें एक पेपर मिला which is wrapped in camel skin. कैमल की जो स्किन रहती है ड्राई वाली, उसकी इसमें एक पेपर wrap करके उनको दिखा। On opening the seal, फिर उन्होंने वो सील ओपन किया, they found that it was not a will. उन्हें क्या समझ में आया, क्या समझ में आया उनको, कि ये विल नहीं है, but a directive which was addressed to him. What is directive? An official instruction given by somebody. मतलब उसमें कुछ instructions दिए थे, किसने दिए थे, अब्दुल्ला ने, अब्दुल्ला ने कुछ instructions दिए थे उसमें, और किसको संबोधित करके दिया था, एड्रेस टू देम, मतलब उनकी मम्मी और उनको, स्पेशली बच्चों के लिए था वो। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, आई आस्क दैट द थ्री ऑफ यू लुक आफ्टर योर मदर, ठीक है, मतलब आपको तीनों को भी क्या करना है, अपनी मम्मा का ख्याल रखना है, ओके। टेल हर अबाउट योर डिसीजंस, आप जो भी डिसीजन लेते हो अपनी मम्मा को बताने हैं। इफ़ यू ट्रैवल एनीवेयर, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, इन्फॉर्म हर। बिफोर लिविंग, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो पहले घर से निकलने के पहले उसे इन्फॉर्म करना है। अहमद, यू आर द एल्डेस्ट, सो यू विल हैव मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था, अहमद, तो उन्होंने कहा कि आप तो बड़े हो इसलिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे तरफ है, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, मॉरल ड्यूटी दैट वन इज रिक्वायर्ड टू डू। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर यंगर ब्रदर्स मोहम्मद एंड मुकर्रम, मतलब तुम्हें अपने जो छोटे भाई हैं दोनों भी, मोहम्मद एंड मुकर्रम, उन पर क्या करना है, उनका ध्यान रखना है। अहमद, एज एल्डेस्ट यू मस्ट बी प्रेजेंट फॉर एनी वेडिंग डेथ और एनी अदर इवेंट इन द हाउस। और उन्होंने कहा कि अहमद जो सबसे बड़ा है उसे कोई भी फंक्शन हो, जैसे वेडिंग है या फिर कहीं पर डेथ हो गई है या फिर कोई इवेंट है घर का, तो इन सारे चीज़ों में अहमद की प्रेजेंट ही एसेंशियल है, मतलब वो रहना ही चाहिए प्रेजेंट उस सारे चीज़ में। मोहम्मद सेज यू आर इन द मिडल, मोहम्मद ये कौन सा है, हाँ ये सेकंड नंबर का बेटा। यू मस्ट रिस्पेक्ट यूर एल्डर ब्रदर, मतलब तुम्हें अपने बड़े भाई की रिस्पेक्ट करनी है, करनी चाहिए। एंड इंडल्ज योर यंगर वन, और क्या करना है, वॉट इज इंडल्ज, मतलब
टू लेट समवन हैव और डू व्हाट दे वांट, मतलब अपने भाई जो भी करेंगे उसके साथ में तुम्हें उनका साथ देना है। यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट एंड लव योर मदर, अपनी मम्मी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ढेर सारा प्यार करना चाहिए। मुकर्रम, यू आर द यंगेस्ट, मुकर्रम जो सबसे छोटा बेटा, ओके, द क्लोजेस्ट टू योर मदर, कि तुम तुम्हारे मम्मी से सबसे ज़्यादा क्लोज हो। सो यू मस्ट एंश्योर दैट एवरी नीड ऑफ योर मदर इज़ फुलफिल्ड बाई यू और बाई योर ब्रदर्स, मतलब तुम सबसे छोटे हो, करेक्ट, तो तुम्हें तो क्या करना चाहिए, तुम्हारी मम्मी की जो भी इच्छा हो, जो उनको ज़रूरत हो, वो सारी चीज़ें फुलफिल होनी ही चाहिए बाई यू और बाई योर ब्रदर। इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना कि वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, टू मेक अ सर्टन दैट समथिंग हैपन्स। ओके, देन नेक्स्ट, द सन्स रीड द पेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लुक एट ईच अदर। अभी उन लोगों ने क्या किया, पूरा पेज पढ़ा ऊपर से नीचे तक और एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। द सन रेड द पेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लुक एट ईच अदर हॉरिफाइड दैट देयर फादर हैड लेफ्ट नॉट अ विल। बोला कि अरे इन्होंने तो कुछ विल रखा ही नहीं है, मतलब ये कुछ छोड़ कर रहने गए हैं। बट अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर देम, उन्होंने क्या किया, एडवाइस लेकर एक पेज रख दिया और विल, जो विल उन्होंने कहा था कि विल रखा है उसमें सारा दिया है मैंने जिसको जो चाहिए, वो तो रखा ही नहीं है। देन रुकैया, रुकैया कौन है, अब्दुल्लाज वाइफ, सेड दैट शी रिमेंबर्ड दैट हर हस्बैंड हैड रिटन ऑन टू शीट्स ऑफ पेपर दैट नाइट। रुकैया ने क्या किया, जो अब्दुल्ला की वाइफ है, ठीक है, उसको याद आया कि दैट नाइट, मतलब जिस रात को उन्होंने ये बिल लिखा था, उस रात को उन्होंने कितने पेजेस लिखे थे, टू शीट्स ऑफ पेपर, बट दे हैड रेड ओनली वन, लेकिन इन्होंने तो एक ही पढ़ा है, मतलब वो श्योर थी कि दो पेपर थे। शी टोल्ड देम टू चेक इफ द सेकंड पेज वाज स्टक टू द फर्स्ट वन। तो उन्होंने बच्चों को कहा, रुकैया ने, कि एक बार चेक कर लो कि वो जो सेकंड पेज है कहीं वो फर्स्ट पेज को ही तो चिपका हुआ नहीं है, स्टक मटक चिपका हुआ। व्हेन अहमद रब द कॉर्नर ऑफ द पेपर, फिर जब ना अहमद ने क्या किया, पेपर के कॉर्नर से रब किए, ही फाउंड दैट देयर रियली वॉज अनदर पेपर स्टक टू द फर्स्ट वन। तो उसे ध्यान में आया कि क्या वहाँ पर सही में एक दूसरा पेपर भी है जो फर्स्ट पेज को फर्स्ट जो पेज है ना उसे चिपका था। द सन्स फेसेस लिट अप, देखो अभी उन लोगों को खुशी हो गई, लिट अप मतलब उनके चेहरे पर खुशी आ गई, एकदम खुशी की चमक आ गई, उनको लगा कि चलो फाइनली विल मिल गया। अहमद सेड थैंक गॉड अब्बा हैज रिटन हिज विल ऑन हिज वन, उसने भगवान को थैंक यू कहा कि अच्छा हुआ कि अब्बा ने कम से कम ये जो पेज है दूसरा पेज उसके ऊपर विल लिखा अपना। मोहम्मद एंड मुकर्रम से रीड इट क्विकली क्विकली, अहमद बिगन टू रीड इट।